काम तो 1 जनवरी 2019 को ही खत्म होना था। ये समय इतना क्यों बिगाड़ दिया इन्होंने? अब तक काम क्यों नहीं किया? जारवाल जी ने जो झूठ बोल करके और ये काम करा रहे हैं, अब ये कैसे कर पाएंगे? क्या 3 महीने के अंदर ये, मुझे नहीं लगता मेरे क्षेत्र के अंदर पानी आ जाएगा। भाजपा चाह रहे लोग और भाजपा की सरकार बनेगी, 100% बनेगी। ये झूठे वायदे अब नहीं चलेंगे। अब जनता जान चुकी है, समझ चुकी है, बहुत होशियार जनता है। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता का हक बनता है कि वो अपनी दावेदारी करे, और ये राइट भी बनता है। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा भी राइट बनता है, मैं अपना टिकट मांगूंगा। नमस्कार, जनता जनार्दन में आप सभी का स्वागत है। मैं गजानन शर्मा, देवली विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 78 से गंभीर सिंह जी राजोरा, जो एक समाज सेवी भारतीय जनता पार्टी में पदाधिष्ठित हैं। आदरणीय राजोरा जी, आपका स्वागत है जनता जनार्दन में। थैंक यू भाई। मैं आपसे एक जानना चाहूंगा कि आप राजनीति में कब और कैसे आपने प्रवेश किया? देखिए, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के अंदर में 1985 में जब राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे एक प्लांट लेके आई थी, उस समय से मैं 1985 से मैं, उन्होंने 1 रुपए की रसीद कटाई थी और एक कमल का फूल मुझे अच्छा लगा, तो उसके साथ में उनके एक स्पीच दी थी वसुंधरा राजे जी ने, तो वहाँ जाकर के मैंने एक कविता गाई थी। उस समय से मुझे ऐसा शौक लगा कि मैं राजनीति मुझे आना चाहिए, और उन्होंने एक पर्ची काट के, और 1985 से और आज तक मैं भाजपा से जुड़ा। 85 से भाजपा में, यानी आपको 34 साल हो गए। सर, आप 34 साल में किन किन पदों पर भाजपा में रहे? मैं दिल्ली के अंदर 92 मैं यहाँ दिल्ली में रहने लगा, और यहीं से मैंने अपना जॉब शुरू किया, अपना प्राइवेट भी बिजनेस किया। 94 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर यहाँ मैं एक एजेंट के रूप में काम किया, कार्यकर्ता के रूप में, और इसके बाद में मैं RWA का प्रेसिडेंट संगम विहार एल फर्स्ट का रहा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंडल 77 बनता, पहले मंडल एक ही हुआ करता था, उस समय मैं मंडल के अंदर उपाध्यक्ष रहा, और जिले के अंदर अनुसूचित जाति मोर्चे के अंदर महामंत्री रहा। फिर मुझे पुनः 3 साल के लिए फिर मुझे निर्वाचित किया गया। मुझे 6 साल अनुसूचित जाति का महामंत्री जिले का दक्षिण जिले से रहा, और इस समय भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी जिला से अनुसूचित जाति का उपाध्यक्ष का पद पर मैं काम कर रहा हूं, और मेरा पूरा परिवार RSS से जुड़ा हुआ है। RSS से जुड़ा है, बहुत अच्छा। आप रजोरा जी, ये भाजपा में ही आप क्यों शामिल हुए? भाजपा में मैं क्यों शामिल हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक तो उनकी जो नीति है, विचार हैं, वो हमारे मन से उनके विचार मिलते जुलते हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी की जब कमान अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, तो उस समय भी हमें बड़ा जो है ऐसा कार्य करने की क्षमता होती थी, हमें ऐसा उज्ज्वल भविष्य लगता था कि आज कांग्रेस ने जो कार्य किया है सबको पता है किस तरीके से हमारे देश का विकास किया। इसके साथ साथ उसके जब अटल जी आए थे तो उन्होंने हमारे देश के लिए एक परमाणु परीक्षण किया था, तो उसमें हमारा देश शक्तिशाली बना। और मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ पूरे परिवार के अंदर, मैं भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही मन से चाहता हूँ, और विकास की तरफ इनकी जागरूकता है वो एक शक्तिशाली के रूप में हमें नजर आती है। और आज देश देख रहे हो, आप सामने देख रहे हो, आज हमारा भारत देश कहां से कहां जा रहा है और शक्तिशाली बन रहा है। मोदी जैसे हमारे PM और अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति आपके बीच में है, तो मुझे तो अच्छा लगता है। थोड़ी देर हम ये माने कि आप राजनीति में नहीं है, फिर आप किस प्रकार से देखते हैं तीनों चारों दलों को? आप राजनीति को एक बार नकार दें कि आप राजनीति नहीं है, फिर कैसे देखते हैं राजनीति पर? देखिए, अगर मैं राजनीति में 100 समय मैं समाज सेवा करता हूं, और बाकी में समाज सेवा एक राजनीति हट करके अगर हम चाहें तो हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी सक्षम शक्ति है जो आज देश के विकास के लिए काम कर सकती है। अन्य दलों में मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हमारा देश उन्नति की तरफ जाए, शक्तिशाली बने, और आज देख लो आपके सामने ही है कि जो हमारी सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने जो विकास किया है, जो कार्य किया है, वो सराहनीय है, आपके सामने है।
हमारे सामने है। ये रजूरा जी, आपके यहाँ जैसे चुनाव लगभग, अभी निश्चित नहीं है लेकिन लगभग फरवरी में चुनाव होने को है, आप जो अभी वर्तमान में जो सिटिंग विधायक है या सिटिंग जो भी सरकार है, उस सरकार कैसे देख रहे हो आप? मतलब उनके जो कार्यशैली में क्या आपका विचार होना चाहिए? देखिए, जो अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, पूरी दिल्ली ने उसको बड़ा विश्वास किया था, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सीएम बने और उन्होंने जितना हमारे जनता के लिए आश्वासन दिया था, हम विकास के लिए जो बताए थे, तो वो उन्होंने विकास नहीं किया, उन्होंने साफ साफ झूठ ही बोला है। झूठ के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आप पूरी दिल्ली के अंदर देख लो, उन्होंने हर जगह झूठ बोला है कि उन्होंने कहा था कि हम पानी फ्री दे देंगे। कहाँ पानी फ्री, आप मुझे बताओ, टैंकर के द्वारा पानी बिक रहा है यहाँ पे, तो ₹2,500 में टैंकर आता है एक महीने के लिए। आप मतलब 8,000 की तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति क्या अपने घर का खर्चा चला लेगा, क्या पानी पिएगा, क्या अपने बच्चे को पढ़ा लेगा? सोनिया विहार का पाइप आ गया सर, यहाँ संगम विहार में चारों तरफ काम चल रहा है, लाइनें डल रही है। हाँ देखिए, ये सोनिया विहार का पाइपलाइन अभी तक ये केजरीवाल और जारवाल ने नहीं डलवाई, ये सोनिया विहार की पाइपलाइन ऑलरेडी पहले से पूर्व विधायक विजय जोली जी और रमेश धुदुरी हुआ करते, उस समय उन्होंने ये पाइपलाइन डलाई थी। और रही बात इस कनेक्शन की, बात है कि हम पाइपलाइन की बात है, ये काम तो 1 जनवरी 2019 को ही खत्म होना था, ये समय इतना क्यों बिगाड़ दिया उन्होंने? अब तक काम क्यों नहीं किया? जारवाल जी, ये जारवाल जी ने जो झूठ बोल करके और ये काम करा रहे हैं, अब ये कैसे कर पाएंगे? क्या 3 महीने के अंदर ये, मुझे नहीं लगता मेरे क्षेत्र के अंदर पानी आ जाएगा, और मेरे क्षेत्र का तो ये सोतले व्यवहार करते हैं, पुनः झुग्गियों की तरफ तो पानी है और मेरे क्षेत्र के अंदर पानी नहीं है, क्यों? केंद्र के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी है, तो हम तो चाह रहे हैं दिल्ली में भी भाजपा चाह रहे लोग, और भाजपा की सरकार बनेगी, 100% बनेगी। ये झूठे वायदे अब नहीं चलेंगे, अब जनता जान चुकी है, समझ चुकी है, बहुत होशियार जनता है। आपका सर अभी 67 सीट है आम आदमी की, क्या आपको उम्मीद लग रही है कि अब आम आदमी जाएगी सरकार से और भाजपा आए? बिल्कुल जाएगी जी, ये ज्यादा ज्यादा ये 15-20 के ऊपर सिमट के रह जाएगी। नहीं पर क्या करिश्मा, क्या योजना है आपकी, कुछ हमारे जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है, आपको पता है आज प्रत्येक व्यक्ति, जो महिला उसके घर के अंदर सिलेंडर नहीं था, आज हमारे जन उज्ज्वल योजना के अंदर घर घर में सिलेंडर पहुंचा दिया, और घर घर के अंदर आप जनधन योजना के अंदर आपका अकाउंट हो गए, जो अकाउंट नहीं खुला करते थे। और रही बात देश के विकास, अगर हमें करना है तो भारतीय जनता पार्टी को चुनना ही होगा, क्यों? सेंटर के अंदर है सरकार है और दिल्ली के अंदर सरकार है, दोनों पहिया बराबर चलेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। अगर क्षेत्र का विकास जब ही संभव है, जब दोनों सेंटर के अंदर और केंद्र के अंदर और दिल्ली के अंदर सरकार एक एक पार्टी की बनेगी, तब विकास हो सकता है, अंत विकास नहीं होगा। नहीं अगर फिर भी अगर केजरीवाल की सरकार बनाना बन जाएगी तो फिर भी 10 साल के लिए चला जाएगा, तो उन्होंने काम कुछ नहीं किया न करेगा। काम कुछ नहीं किया यानी आम आदमी काम नहीं कर रहे, आपको पता होना चाहिए, जनता को पता है कि भाई कहाँ नजर आ रहा है आपको विकास, बताइए आप। नहीं, केजरीवाल जी तो कह रहे हैं देखो अब लाइट फ्री हो गई, पानी फ्री हो गया, आपका मेट्रो और DTC में किराया फ्री हो गया। अच्छा आप मुझे बताइए, जून के महीने के अंदर उन्होंने डबल पेमेंट लिया था, उसके बाद उन्होंने कम कर दिया, क्या फायदा हुआ हमारा? और सबसे बड़ी बात यह है, आपको पता है हमारी सिक्योरिटी जमाती एक साल पहले जो दीपावली के अंदर उन्होंने कहा हम फ्री, और बिल पे बिल ही नहीं आया था, तो कितना बेवकूफ बना के हमारी सिक्योरिटी का पेमेंट और हमसे ही काट लिया उन्होंने, क्यों? ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम करता है केजरीवाल जी, इनको जो अभी समझ में आ जाएगी, जनता जनार्दन है, जनता समझती भी है, और अब की इनको सबक सिखा देगी कि कितना झूठ उन्होंने बोला और कितना उन्होंने काम किया। सर आप इस रेस में हैं या कि विधायक की जो है उस रेस में आप भी अपना भाग आजमाने की कोशिश कर? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता का हक बनता है कि वो अपनी दावेदारी करे, और ये राइट भी बनता है। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा भी राइट बनता है, मैं अपना टिकट मांगूंगा। अब देखेंगे, अगर जनता चाहेगी और पार्टी चाहेगी तो टिकट मिलेगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही तो है ही हम। तो ये थे गंभीर सिंह रजोरा जी, विधानसभा देवली से, वार्ड नंबर 78S संगम विहार अस्थल मंदिर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।